हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल राहुल। तो मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओन पैसिव के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ओन पैसिव का कोई भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रात में जो इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था उसमें बहुत कुछ अपडेट मिला था, वन बाई वन करके आपको शेयर करने वाले हैं। जैसे बताया गया कि ओ फाउंडर का जो वेबसाइट है वो अक्टूबर के महीने में कभी भी लॉन्च हो सकता है, और ओ फाउंडर के वेबसाइट में जितना भी स्ट्रक्चर है, 15 लेवल का प्लान है, वो सब हट जाएगा, क्योंकि आईटी कंपनी है, एमएलएम कंपनी नहीं है। लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि एमएलएम के रूप में इसको लॉन्च नहीं करना है, आईटी के रूप में लॉन्च करना है, तो गवर्नमेंट कभी क्लेम नहीं कर पाए, इसीलिए सारा कुछ प्लान एमएलएम का हट जाएगा और प्योर आईटी कंपनी बन के ही लॉन्च होगी, ऐसा अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट है, आपको लॉगिन करने पे एक नया फीचर मिलेगा, आपको एक वॉइस मैसेज मिलेगा, आप भी वॉइस रिकॉर्ड करके 5 सेकेंड से कम का बना सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका वॉइस अच्छा हुआ तो वो वॉइस उसमें सेट हो जाएगा। जैसे वॉइस में आप बोल सकते हैं वी आर इन इट टू विन इट, डन डील, या वेलकम है आपके ऑन पैसिव में, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, हम फिलिंग्स लाइन तक पहुंचने वाले हैं, ऐसा अपडेट मिला है। मतलब ऑन पैसिव सॉफ्ट लॉन्च और हार्ड लॉन्च बहुत जल्द करने वाला है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओ फाउंडर का जो कैलेंडर है वो आपको अक्टूबर में मिलने वाला है, जिसमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लॉन्च होगा, कहाँ कब लॉन्च होगा, ये सब आपको उसमें मिलने वाला है। उसके बाद बताया गया कि फाइनल लॉन्च में हम 14 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, अमेरिका के कई राज्यों में जहाँ कंपनी के बड़े बड़े फाउंडर्स है वहाँ पे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो सकती है, मेगा प्रोडक्ट सेमिनार हो सकता है। उसके बाद बताया गया कि सॉफ्ट लॉन्च जब होगा तो उसमें आपको 15 दिन से 1 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें $250 पे करने का ऑप्शन खुल जाएगा। और उसके बाद बताया कि लॉन्च के बाद ग्रेस पीरियड के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा है। नेक्स्ट अपडेट है, लॉन्चिंग का बहुत कुछ नया होना है, जिसमें कि आपको मीडिया में आएगा, टीवी न्यूज़ में आएगा और बड़े ब्रांड के रूप में ये लॉन्च होगा, बहुत बड़ा इवेंट का आयोजन किया जाएगा, ये सब कुछ अपडेट है। उसके बाद का अपडेट आपको बताने वाले हैं, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर के जो महीना है उसमें कैलिफोर्निया में कुछ बड़ा सेमिनार हो सकता है, जिसमें बताया गया मार्च 2021 से पहले की जो आईडी है वो फाउंडर से डिलीट हो जाएगी, आने के बाद डिलीट हो जाएगी, तो आप अपने प्लान से कांटेक्ट कर लीजिए और पुरानी जो भी आईडी है, पुराना पोजीशन है, उसको बचा लीजिए, आईडी को एक्टिवेट कर दीजिए। उसके बाद बताया गया 2018 से पहले 2020 की अनपेड आईडी समाप्त हो सकती है, इसीलिए आप उसमें जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद बताया गया आपका जो पेमेंट है सारे टैक्स कटने के बाद आपके वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद बताया गया कि जो भी मैट्रिक्स प्लान है या लेवल प्लान है या कोई भी बाइनरी और जनरेशन का जो स्ट्रक्चर है, सब कुछ हट जाने वाला है, क्योंकि ये आईटी कंपनी है, एमएलएम कंपनी नहीं है, सब कुछ ध्यान में रखा गया है। इसके लीगल एक्सपर्ट, लीगल एडवाइज़र, टेक्निकल टीम सब कुछ इसमें देख रहे हैं, सब कुछ डन किया जा रहा है। लॉन्च से पहले सब चीज़ आईटी कंपनी के रूप में ही लॉन्च होनी है, इसीलिए सब चीज़ क्लियर करने के बाद लॉन्च होगा। उसके बाद बताया गया कि आपके वो वॉलेट में जो पैसा आने वाला है वो पैसा आपको 10 दिनों के बाद ओ ब्लेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि ओ ब्लेस में जो जितना सारा पैसा उसमें जमा होने वाला है उससे वो साइट पे लोड होने वाला है। अगर आप पैसे को निकालते नहीं हैं तो ये समझा जाएगा कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और वो ओ ब्लेस में चला जाएगा, का जो डोनेशन के काम आ सकता है और लोगों की मदद की जा सकती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद बताया गया कि फाउंडर और कस्टमर में बड़ा अंतर ये है कि आप 97 डॉलर से ज्वाइन कर सकते हैं और ऑन पैसिव का हर एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आपका एक अच्छा वेबसाइट मिलेगा, आपका दिन रात वेबसाइट चेंज होते रहेगा, डेली डिजाइन चेंज होते रहेगा, आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा और आपका ऑटोमेटिक इनकम आते रहेगा, और कस्टमर को इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा और उसको बस सर्विस मिलेगी, और जो इनकम आएगा उसके नीचे जो स्ट्रक्चर सेट होंगे उसको तो आएगा, लेकिन फाउंडर जितना कभी नहीं आने वाला है, तो फाउंडर का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। उसके बाद बताया गया है कि जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी तो ही फाउंडर को जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, जितने भी दस्तावेज है, वो सब सौंप दिए जाएंगे, तो लॉन्च होने के बाद सारे लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग को मिलने वाले हैं। उसके बाद बताया गया कि कस्टमर एक प्रोडक्ट बाय करके भी ऑन पैसिव में आ सकता है और कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऑन पैसिव का कोई भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए
लिए बस इतना ही, धन्यवाद।